नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूरी कश्मीर घाटी में इस समय भयंकर बर्फबारी हो रही है। 5 दिन की बर्फबारी के बाद कल ये सिलसिला थोड़ा सा रुका, लेकिन आज सुबह से फिर से कश्मीर में बर्फ गिरनी शुरू हो गई। ज्यादातर शहरों में कश्मीर में तापमान जो है वो माइनस में है और जिंदगी बेहद दुश्वार हो चली है। वादियां बनी बर्फिस्तान, पहाड़ों पर फैली बर्फ की चादर, सिहर गए गांव, जम गए शहर, धरती की जन्नत में हिमयुग। छुट्टी के दिन यानी बीते रविवार से कश्मीर में बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को मामूली राहत मिली तो लगा जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन शनिवार को मौसम विभाग के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और एक बार फिर घाटी बर्फ के आगोश में समाती नजर आई। कश्मीर में रविवार से 4 दिन की बर्फबारी के बाद शुक्रवार को मौसम से कुछ राहत तो मिली थी, लेकिन शनिवार की रात को एक बार फिर अचानक कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी जो है कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हो रही है और करीब 2 सेंटीमीटर बर्फ जो है आज सुबह से सड़कों पर जमा हो गई है और एक बार फिर रास्ते बंद होने लगे हैं, जिनको बहुत मुश्किल के साथ शुक्रवार को यातायात के लिए खोल दिया गया था। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि मौसम विभाग ने कहा था कि शुक्रवार से अब मौसम सुधरेगा, बेहतर होगा, लेकिन शनिवार की सुबह सभी अनुमानों को किनारे करते हुए मौसम ने अपना मिजाज बदला। बर्फ की आफतों से घिरे श्रीनगर में एक बार फिर बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह कुछ ही घंटों के भीतर आधा फुट बर्फ गिरी, सड़कें बर्फ तले दब गईं, बर्फ की मोटी चादर तले सब कुछ दबता हुआ नजर आया। दिक्कत ज्यादा हुई तो भारी भरकम आइस कटर से सड़कों से बर्फ हटाई गई। गाड़ियों को दिन में भी इंडिकेटर जलाकर रखना पड़ा। घर, गाड़ियां, शिकारे सब बर्फ में लिपटे नजर आए। कश्मीर घाटी में आज सुबह फिर से बर्फबारी हुई है और थोड़ी बहुत बर्फबारी, लाइट स्नोफॉल जिसे कहा जाता है, उसकी प्रेडिक्शन थी और वही हुआ। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि कुछ घंटों के बाद ये बर्फबारी साफ होगी और इस नई बर्फ से फिर से वादी में एक खूबसूरती की चादर बिछी हुई है। हर तरफ सफेदी ही सफेदी दिख रही है। एक हिसाब से विंटर वंडरलैंड जिसे कहा जाता है वो आंखों के सामने नजर आ रहा है। जहां थोड़ी बहुत परेशानियां स्थानीय लोगों को होती है बर्फबारी की वजह से, वहीं दूसरी तरफ यही मौसम है, यही समय है जिसके लिए कश्मीर मशहूर है और इसी वजह से कई सारे लोग इस वक्त कश्मीर का रुख करते नजर आ रहे हैं। टूरिस्ट कई सारी जगहों पे दिख रहे हैं। कश्मीर के शहर दर शहर हाड़ कपा देने वाली ठंड से जूझ रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर पारा 0 से नीचे है। गुलमर्ग में पारा -10 डिग्री हो गया, श्रीनगर में पारा -4 डिग्री रहा, पहलगाम में ये -5.1 डिग्री रहा, काजीगुंड में -2.8 डिग्री रहा, कुपवाड़ा में भी -4.5 रहा। कश्मीर एयरपोर्ट पर 4 दिन के बाद शुक्रवार को उड़ानों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर से उड़ानों पर ब्रेक लग गया। श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानों को रद्द कर दिया गया या फिर डाइवर्ट किया गया। कश्मीर में बर्फबारी से सड़कों की हालत खराब है। जम्मू श्रीनगर का पूरा हाईवे बर्फ तले दबा है। देखिए कैसे जम्मू में बने कंट्रोल रूम के जरिए हाईवे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई रुकावट होने पर उसे तुरंत दूर किया जा सके। वादियों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसकी सिहरन अब दिल्ली NCR को महसूस होगी।
जैसे ही वहां बर्फबारी थमेगी और मौसम खिलेगा, वहां की सर्द हवाएं दिल्ली में जीना दुश्वार कर देंगी। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया तो टेम्परेचर बढ़ने लगे और 2 तारीख से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में। और जब एक के बाद एक ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस था काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिसके कारण जो हैवी स्नोफॉल पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हुआ और जो तापमान थे न्यूनतम तापमान बढ़े रहे। कश्मीर में बर्फबारी का 40 दिन का दौर रहता है, फिलहाल इसका आधा हिस्सा ही बीता है, लेकिन यही वो वक्त है जब सबसे घनघोर बर्फबारी होती है। श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजाउल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कश्मीर में स्थानीय लोग भले ही कुछ परेशान हों, लेकिन बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए। देश भर से यहां पर्यटक पहुंचे, उनका तांता लगा हुआ है। पर्यटक कुदरत के बेहतरीन दृश्यों को देखकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। साल की सबसे बड़ी बर्फबारी ने पर्यटकों के इस सफर को, कश्मीर के इस दौरे को यादगार बना दिया है। ऐसे ही ये बात नहीं कही जाती। हफ्ते भर की बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी की सूरत कुछ ऐसी निखरी है कि स्विट्जरलैंड भी इसके आगे फीका नजर आ रहा है, मानो कैनवस पर पूरी घाटी की खूबसूरत तस्वीर उभर आई हो। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। हर दिन हर घंटे के साथ बर्फ का ये दामन फैलता जा रहा है। कश्मीर में बहुत मस्ती की, बहुत मजा आई, और कश्मीर में लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, नेचुरल लोकेशन है, और घूमने की का बहुत मजा आ रही है। और जहाँ जाओ, जहाँ बर्फ दिखाते सब बढ़िया है। मेरा ये पहला टाइम है कश्मीर में, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। हम लोग को काफ़ी, हम लोग गुलमार्ग, पहलगाम, श्रीनगर में भी काफ़ी दिन से रुके हुए हैं, और लोग बड़े अच्छे हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये बर्फिस्तान दिल को लुभा रहा है, हिमयुग की झलक देती ये तस्वीरें दिल को सुकून दे रही हैं। घाटी सज संवर गई है, घाटी निखर गई है, बर्फ से यहाँ के पहाड़ों ने मानो श्वेत धवल श्रृंगार किया हो। और इसी के साथ घाटी का सैलानियों का इंतजार भी खत्म हो गया है। घाटी की इन वादियों की सैलानी भी दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही नेचर है, बहुत ही अच्छा है, ठंड भी है, और इंडिया का स्वर्ग जो कहे तो कश्मीर को कहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को जब पता चलेगा, यहाँ पे आए तभी पता चलेगा कि कश्मीर की ऐसी सिटी है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत सुंदर जगह है, और विंटर्स में स्नोफॉल जब होती है तो और सुंदर हो जाता है। तो ये सोच के आए अपनी फैमिली के साथ, और 10 दिन हो चुके हैं, हम गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, श्रीनगर आए हैं अब हम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी से बेपरवाह सैलानी धरती की इस जन्नत में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जमकर मस्ती कर रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल हो जाने का कोई शिकवा नहीं है। खुशी इस बात की है कि इन नज़ारों के बीच कुछ और वक्त रहने का मौका मिला। जिंदगी का ये यादगार मौका फिर मिले न मिले, सैलानियों की ट्रिप में इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। ये सफर जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट टाइम है और मुझे स्नोफॉल देखना था, और फाइनली मैंने आज स्नोफॉल देख ली है। और कश्मीर बहुत ही सुंदर है। जो ये फ्लोटिंग शॉपिंग है, ये मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कश्मीर पहली टाइम आया हूँ, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये फ्लोटिंग शॉपिंग हो रही है यहाँ पर, जैसे हम बैठ के फिर दूसरी बोट वाले आ रहे हैं, सामान दे रहे हैं, मतलब इट्स मतलब बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। और हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, और होटल वाले हमसे यहाँ बोल रहे हैं कि आप बेफिक्र रहिए, आप फ्री में रहिए, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, बस आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग मतलब बहुत ही हेल्पफुल है। सैलानी दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, लगातार कश्मीर का रुख कर रहे हैं, तो भला टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरे क्यों ना खिले हो। होटल सजे हैं, सैलानियों का इस्तकबाल कर रहे हैं, होटल वालों को उम्मीद है कि ये सीजन जबरदस्त रहेगा। बर्फबारी होगी कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि सारी चीजें टाइम पे हो जाए, लेकिन आप देखो ड्यू टू इन पोअर विजिबिलिटी एट श्रीनगर एयरपोर्ट बहुत सारी फ्लाइट्स पिछले 4-5 दिनों से कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट यहाँ पे सारे स्टक हो गए, और बाहर से भी कोई फ्लाइट अभी नहीं आ रही है। तो होपफुली कि कल और आज फ्लाइट्स ऑपरेशनल हो गई है, तो अभी बहुत अच्छा खासा फ्लो है सर। सो एक्सपेक्टिंग कि इन फ्यूचर जैसे अप्रैल मार्च की जो सीजन की बुकिंग्स है वो भी ठीक ठाक रहेंगी सर। कश्मीर की तरक्की को टूरिज्म नई रफ्तार दे सकता है।
370 के खात्मे और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का दौर शांति से गुजरा और इससे सैलानियों के भरोसे में इजाफा हुआ है। फिर से कश्मीर की तरफ कदम उठ रहे हैं और इससे बेहतर भला घाटी के लिए क्या हो सकता है। श्रीनगर से अशरफ वाणी और शुजा उल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कश्मीर और लद्दाख ही क्यों, उत्तराखंड में बर्फ का दौर चल रहा है। ऊंचाई वाले शहरों कस्बों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और गला देने वाली ठंड के बीच उत्तराखंड में जिंदगी आसान नहीं, बेहद मुश्किल हो गई है। लेकिन पर्यटन के लिए मशहूर जगहों पर यही बर्फ खुशियों की सौगात लेकर एक बार फिर से पर्यटकों के लिए आई है। वो खुश हैं, मानो उन्हें मन मांगे। पहाड़ इन दिनों बर्फ से गलबैया कर रहे हैं। कश्मीर के साथ उत्तराखंड में भी हर तरफ बर्फ के ही दीदार हो रहे हैं। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ की धरा पर कुदरत जमकर मेहरबान है। कई दिनों से यहां बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानियों से उत्तराखंड की वादियां भी गुलजार हैं। औली, चौपता, चकराता और रुद्रप्रयाग तक हर जगह सैलानियों का रेला है। कुदरती नजारा देखकर सैलानियों का दिल खुश है। शहरों की भीड़ भाड़ और भागम भाग से दूर प्रकृति की गोद में ये नज़ारे भला किसका दिल ना खुश कर दें। चमोली में पड़ने वाले मशहूर पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों का तांता लगा है, जो यहाँ की तीखी बर्फीली ढलानों पर जमकर स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। सैलानियों की भीड़ लग रही है, जिससे कारोबारियों के चेहरे भी खिले हैं। रुद्रप्रयाग के चौपता की ये दिलकश वादियाँ भी खूबसूरती के मामले में कश्मीर से होड़ करती दिख रही हैं। यूं ही इसको मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहते। पहले बर्फ और फिर धूप खिलने से चौपता की खूबसूरती और परवान चढ़ रही है। हरियाली से लदे घास के मैदान देखकर सैलानी खुश हैं। बहुत अच्छा लगा, सामने चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, उनके ऊपर बर्फ भी दिखी थी और एकदम पीस वाली जगह है, शांति वाली। उत्तराखंड में सैलानियों की तो मानो लॉटरी लग गई है, लेकिन पहाड़ इस सीजन की प्रचंड ठंड से भी दो चार हो रहे हैं। ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं। सुबह से बर्फीली हवाओं के बीच यहाँ कोहरा भी आफत मचा रहा है। पारा शून्य पर है और खेतों से लेकर घरों तक पाले की चादर ओढ़े हुए हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हर तरफ बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम साफ होने के बाद पारा लगातार गिर रहा है। गंगोत्री में तो ये -6 का आंकड़ा छू चुका है, जबकि यमुनोत्री में ये -8 है। कुछ गांवों में तो 1 फुट तक बर्फ भी जमा है। धराली से लेकर जांगला और भैरव घाटी तक पीने का पानी जम चुका है। उत्तराखंड में बर्फबारी के दिन चल रहे हैं तो सूबे के सीमांत गाँव भी जबरदस्त बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। भारत तिब्बत की सरहद पर गंगी गांव पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। इसका जिला मुख्यालय से लेकर बाजार तक संपर्क कट चुका है। बर्फिस्तान बने इस गांव में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। देर रात से बहुत तेज बारिश हो रही है और बाजारों सहित जिला मुख्यालय का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। नलों में पानी जम चुका है और आदमी यहाँ पे जो है घरों में कैद हो चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है यहाँ पर। बाबा भोले के धाम को भी बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया। यहाँ 5 फुट तक बर्फ की लंबी मोटी परत चढ़ी है। ये तस्वीर केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर दूर गरुण चट्टी की है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी है। पूरे उत्तराखंड में ठंड इतनी है कि खून जमा दे। सड़कों पर सन्नाटा है, बस अलाव का ही सहारा है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, औली से कमल नैन, टिहरी से कृष्ण गोविंद और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में बर्फबारी के बीच स्थानीय लोग कई बार बड़ी मुश्किलों में घिर जाते हैं। आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है और ऐसे में घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है, मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन इस जिंदगी की जंग में स्थानीय लोगों को जीत दिलाते हैं सेना के हमारे जांबाज जवान। बर्फ की मार के बीच ये सैनिक किसी देवदूत से कम नहीं है। जब बर्फ चुनौती बन जाती है
जिंदगी जब मुश्किल हो जाती है तब फौजी बन जाते हैं देवदूत। सेना की ये दरियादिल सूरत है। पूरे कश्मीर सूबे में बर्फ कहर बरपा रही है। सैलानी इस बर्फ के दीदार कर दीवाने हो जाते हैं, लेकिन हफ्ते भर की बर्फबारी घाटी के लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन रही है। जिंदगी की रफ्तार थम गई है और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना तक मुश्किल हो चला है। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। घाटी की सुरक्षा के लिए 2400 घंटे मुस्तैद यहां तैनात जवानों का स्थानीय लोगों से भी गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि जब लोग परेशानी में हैं, तो जवान अपनी जान पर खेलकर उनकी मदद कर रहे हैं। जब दूसरी एजेंसियां मदद में लाचार हो जाती हैं, तब घाटी को याद आती है सेना की और सेना उनके इस भरोसे पर 100% खरी उतरती है। सोपोर के मजीद अहमद की पत्नी ने अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। नवजात बच्चे के साथ उसकी माँ को घर लौटना था, लेकिन बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। इस मुश्किल घड़ी में मजीद को सेना का मददगार चेहरा याद आया। उन्होंने तुरंत दुनिवार आर्मी कैंप को फोन लगाया और कुछ ही पलों के भीतर सेना के जवान हाजिर हो गए। महिला और नवजात बच्चे को बेड पर लिटाया गया और इस बेड को जवानों ने कंधे पर लादकर उन्हें घर पहुंचाया। घुटनों तक की बर्फ में पैर धंस रहे थे, लेकिन सेना के जवानों के हौसले के आगे बर्फ पस्त थी। एक नन्ही जान सेना की मदद से घर पहुंची, तो दूसरी दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। तस्वीरें कुपवाड़ा की है। मंजूर अहमद की पत्नी को लेबर पेन हुआ, डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना जरूरी था। ये सफर भी मुश्किल था। आधी रात को सेना को फोन गया और जवान तुरंत हाजिर। जवानों ने करहा रही गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। बर्फ अगर घाटी में बार बार जिंदगी को चुनौती दे रही है, तो इसके साथ आग भी मानो लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ में चारों तरफ बर्फ के बीच दो घरों में भीषण आग लग गई। लोगों को फिर सेना की याद आई और फिर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों की मदद से आखिरकार सेना ने आग में फंसे लोगों की जान बचा ली। अगर सेना के जवान देवदूत बनकर आ रहे हैं, तो कश्मीर के लोग भी खुद एक दूसरे के लिए मददगार बन रहे हैं। राजौरी में मानवेर ताबी नदी के ठीक बीच में एक शख्स तब फंस गया जब वो नदी पार कर अपने गांव जा रहा था। गांव वालों ने उसको बचाने में अपनी जी जान लगा दी। सेना का ये मददगार और दरिया दिल रवैया घाटी में उसकी लोकप्रियता में इजाफा कर रहा है। मुश्किल घड़ी में जब लोगों को फौजी याद आए, तो इससे उनकी मकबूलियत का अंदाजा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कश्मीर में अगर बर्फबारी हो रही है, तो पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी बर्फ ने अपनी चादर पूरी तरह से फैला दी है। लद्दाख से लेकर करगिल तक हर जगह कई इंच बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और इस सब के बीच यहां विंटर गेम्स भी हो रहे हैं, लेकिन लद्दाख की खूबसूरती इस बर्फ ने 100 गुना बढ़ा। कश्मीर में अगर बर्फ मेहरबान है, तो नए नवेले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी इन दिनों मानो आइस एज चल रही है। लद्दाख के ऊपरी इलाकों में कई फुट तक बर्फ जमा है। सब कुछ बर्फ में समाता दिख रहा है। कम ही सही, लेकिन लद्दाख और कारगिल के बाजारों में हर तरफ बर्फ दिख रही है। कारोबारी सैलानियों की सहूलियत के लिए बाजार से बर्फ हटा रहे हैं। हर आधे एक घंटे के बाद बर्फ का कुछ इसी तरह ढेर लग जाता है। कुछ कुछ रोमांचक और यादगार सफर की चाहत रखने वाले सैलानी लद्दाख का रुख कर रहे हैं। बाजार में सैलानियों की चहलकदमी दिखा रही है कि लद्दाख भी लोकप्रिय हो रहा है।
और लद्दाख में इन दिनों आपका एक और अट्रैक्शन स्वागत करने के लिए तैयार है। जी हाँ, यहाँ विंटर गेम्स चल रही है जिसमें सबसे खास है बर्फ पर हॉकी। देखिए कैसे खिलाड़ी जिंदा दिली के साथ बर्फ पर जौहर दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में कश्मीर के साथ लद्दाख में भी सैलानियों की आवक बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।